shot. नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के गाँव सिवाया में, जिसका ब्लॉक पड़ता है दोराला। आइए आपको गाँव का जायजा कराते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में। आज हम बात करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। हमारे बीच में सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। सर, मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक कार्ड होता है जो कि सरकार ने कहा है कि किसानों के क्षेत्र का, जो किसानों का फील्ड है या क्षेत्र है, खेत है, उसका उर्वरकता का स्तर क्या है, उसकी जानकारी के लिए कार्ड बनाया गया है। उसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड कहते हैं। सर, अगर हम बात करते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि दिन प्रतिदिन मृदा का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है और ये हमें अब बहुत ही जानना जरूरी है कि उसका कारण क्या है और निवारण क्या है, तो इसलिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड को बनाने की आवश्यकता पड़ी है। देखिए, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में और साथ ही साथ ये भी बताया कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए हम जानते हैं। जी, आप बताएँ, मिट्टी की जांच कराई आपने? हाँ जी, करवाई ही जांच। मिट्टी की जांच आपने किस प्रकार से कराई थी? मिट्टी मैंने एक एकड़ खेत में से पांच जगह से मिट्टी ली, 6 इंची गहरी, और वो एक जगह मिक्स करके उसमें से फिर दो हिस्सा निकाल लिया, फिर एक हिस्सा निकाल के जो रह गई आधा किलो करीब, वो मैंने दी लैब में। टेस्ट हुई तो मेरा पीएच पानी सही आया, उसमें मेरे खेत में सल्फर की कमी आई, तो सल्फर की डोज मैंने पूरी कर दी तो सही होगी मेरी फसल। आपको जब आपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाया, आपको उससे लाभ की प्राप्ति हुई है? हाँ, फसल जो है, जो उसमें जो पत्ती पीली फटक रही है, सल्फर डालने से वो सही होगी। आपका आपके खर्चे में भी कोई कमी आई है? नहीं, खर्चे में तो इतनी कमी नहीं आती। हाँ, जो हम सल्फर की जगह किसान क्या करा, यूरिया ज़्यादा डाल दें तो यूरिया बच गया, उस सल्फर डाल दिया एक एक किलो एक एकड़ में, तो फ़ायदा हो गया उसमें। यूरिया का लगता है एक बैग, तो ये फायदा हो गया। आपको इसमें कुछ बदलाव महसूस हुआ कि जब तक आपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड नहीं बनाया था, आज आपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाया, इसमें कुछ बदलाव महसूस हुआ आपको? हाँ, एक जगह आकर रुक गया, जो हम जो डाई पहले 10 किलो भी एक ही लगा कर रहे, वो हम 4 धड़ी पहुँच गए, पैदावार नहीं बढ़ी, तो इसलिए फिर इसकी मिट्टी की जाँच करवाई, जब उससे जो आए उसमें जो कमी आई जिस तत्व की, वो हमने फिर तत्व डाले तो फिर सही 10 किलो उस पर आ गए हम DAP पर। आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि उन्होंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाया और उससे वो लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? जी, बताइए किस प्रकार से आपने मिट्टी की जांच कराई है? मिट्टी की जांच खेत में 6 इंची नीचे से लेके 5 जगह से मिट्टी ली और उसकी जांच कराई। उसमें जो पोषक तत्वों की कमी आई, उन पोषक तत्वों को हमने
डाला और जिनकी ज़रूरत नहीं थी उन्हें उपयोग में नहीं लाए, तो उससे हमारी लागत घटी और उपजाऊ क्षमता बढ़ी, आमदनी भी बढ़ी आपकी उससे। ये ही इसका फायदा है। और जो इस वक्त हमारे किसान भाई एक कार्यक्रम देख रहे हैं और वो भी उनके मन में विचार आ रहा है मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने के लिए, तो आप बताएं मृदा स्वास्थ्य कार्ड उनको बनाना चाहिए? जी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जरूर बनाना चाहिए, वो बहुत ही लाभकारी है। उससे जो है सूक्ष्म तत्वों का पता लगने से लागत घटती है और लागत घटने के साथ साथ जो है आमदनी बढ़ती है। देखिए हमारे किसान भाई ने, जो हमारे अन्य किसान भाई जो इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको ये संदेश दिया है कि आप भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाएं, आपकी लागत घटेगी और आपकी आमदनी बढ़ेगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? जी मिट्टी की जांच कराई। बताइए किस प्रकार से आपने अपनी मिट्टी की जांच कराई है? 5 जगह 6 इंच मिट्टी ली, उन्हें एक जगह मिलाया और 1 किलो मिट्टी लगाकर उसकी जाँच कराई। लाभकारी है, लाभकारी है। आपको इसकी जानकारी कहाँ से हुई कि मिट्टी की जांच भी होती है? मिट्टी की जांच ब्लॉक के द्वारा पता लगा जी। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनको इसकी जानकारी ब्लॉक स्तर पे पता चला कि मिट्टी की जांच भी होती है और उन्होंने इससे लाभ की प्राप्ति भी की है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड से और भी लाभ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशु बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो, आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचान PGS ऑर्गेनिक का ये लोग, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कैसे लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहे? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ, पर हम तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि अगर हम हमारे किसान भाई मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। यदि हम मृदा की बात करें तो मृदा की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए इसमें 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि 17 पोषक तत्व जमीन में आपके संतुलित मात्रा में मौजूद हैं तो ये पोषण अच्छा करेंगे, पौधों की बढ़वार अच्छी होगी और उत्पादकता आपको अच्छी मिलेगी। 17 एलिमेंट्स में से कुछ मैक्रो होते हैं, कुछ माइक्रो होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हो जाता है और ज़्यादातर किसान हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास को देते हैं। इनके अलावा जो अन्य तत्व हैं वो किसान नहीं देते, लेकिन जब उनके पास मृदा जांच करने के लिए कार्ड बना होगा तो उनको पता रहेगा कि उनके खेत में कौन कौन से तत्व हैं और उसमें किन की और आवश्यकता है। तो इसकी जांच कराने के उपरांत वो कार्ड उनके पास रहेगा और उसमें कितनी संतुलित मात्रा डालनी है वो उसमें डाल सकते हैं। ज़्यादातर इस क्षेत्र में देखा गया है कि बोरान और पोटास की कमी भी देखी गई है, साथ साथ सल्फर की कमी भी लगातार होती जा रही है, क्योंकि इन तत्वों की भी फसलों को बहुत अधिक आवश्यकता होती है।
तो किसान भाइयों को चाहिए कि जांच करा के जो भी 17 एलिमेंट्स हैं इसमें यदि किसी में कमी है तो उसको बताई गई रिकमेंडेशन के अनुसार अपने खेत में उसका उपयोग करें और उसका भरपूर लाभ उठाएं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने, अभी आपको बताया कि हमें कौन कौन से तत्व की ज़रूरत है, और अगर हम जिला मेरठ की बात करते हैं तो उन्होंने उसके बारे में भी बताया है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जाँच कराई आपने? जी मिट्टी की जाँच। देखिए किस प्रकार से आपने मिट्टी की जाँच कराई है? हमारा जो खेत था उसके कोनों पर चारों तरफ जो चार कोने होते हैं, चारों कोनों पर लगभग 2 मीटर अंदर से एक वी शेप में गड्ढा बना के और चार कोने हो उसकी मिट्टी ली और एक बीच में से ली और उसको फिर मिक्स करके चार भाग किए उसके, फिर उनमें से आमने सामने के भाग रख लिए, फिर उनको मिक्स किया, फिर उसके चार भाग किए, फिर उनमें से आमने सामने के करके और लगभग 400 ग्राम मिट्टी हमने ले कर लैब टेस्टिंग के लिए दी, तब जाके उसको रिजल्ट हमें मिला। आपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाया, उसको बनाने के बाद आपको कितना बदलाव महसूस हो रहा है और कितना आपको लग रहा है कि इसमें लाभ की प्राप्ति हुई है? जी जी, पहले जिस तरीके से हम लोग मान लिया DAP यूज कर रहे थे या यूरिया यूज करते थे, धीरे धीरे उसकी मात्रा हम बढ़ाते जा रहे थे लेकिन पैदावार में कमी आ रही थी लगातार, तो इसलिए हमने उचित समझा कि सोइल टेस्टिंग करानी चाहिए। सोइल टेस्टिंग के बाद जो 17 पोषक तत्व थे उनमें हमको 3-4 तत्वों की ज़्यादा कमी जो है रिजल्ट में आई, उन्हें हमने डाला, बाकी जो दूसरी चीज़ें थी उन्हें कम कर दिया, कुछ की अधिकता भी आई, नाइट्रोजन अधिक आई, फास्फेट अधिक आया। तो उसके लिए आपने क्या किया? उनको कम किया हमने, जितनी डोज हम डाल रहे थे उनको कम करके, और जिस चीज़ की कमी थी खर्चे में कमी आई होगी? जी बिल्कुल आई, क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ता था और जो सूक्ष्म पोषक तत्व थे वो थोड़े सस्ते पड़े और पूर्ति पैदावार भी। जब तक आपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड नहीं बनाया तो आप किस तरीके से आप अपने पोषक तत्व डालते थे? बस कुछ नहीं, नॉर्मल वही DAP डाल रहे थे, नाइट्रोजन डाल रहे थे, अंदाजे से डाल रहे थे, अंदाजे से वो तो मात्रा बढ़ाते जा रहे थे। तो जब आप अंदाजे से डाल रहे थे तो आपको ये भी नहीं पता था कि उसके अंदर ज़्यादा है कमी है या किस चीज़ की कमी है, साथ ही साथ मिट्टी की उपजाऊ क्षमता पे भी फर्क पड़ता है, जमीन बंजर भी हो जाती है, ऐसा आपने महसूस किया? नहीं बिल्कुल महसूस किया जी। योजना कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी योजना है, और मैं तो किसान भाइयों को सबको सलाह देना चाहूँगा कि जब भी आप खेती कर रहे हैं तो मृदा स्वास्थ्य जांच कराएं अपनी और उसी के हिसाब से उर्वरक डालें, उसी के हिसाब से पोषक तत्व डालें। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं, जो हमारे अन्य किसान हैं जो इस वक्त कार्यक्रम देख रहे हैं, कि आप भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड जब बनाएंगे तो आप भी इससे लाभ की प्राप्ति करेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की, आपने मिट्टी की जांच कराई है? नहीं कराई। आपको पता है कि मिट्टी की जांच भी होती है? पता है। उसके बावजूद भी आपने मिट्टी की जांच नहीं कराई? कराई नहीं। क्यों नहीं कराई आपने मिट्टी की जांच? जानकारी नहीं थी या अभी आपने विचार नहीं किया उसको कराने के लिए? जानकारी थी पर लेकिन यहाँ कहीं होती नहीं है। यहाँ होती नहीं है कहीं? नहीं। आपने हमारे वैज्ञानिक से कभी संपर्क किया हो कि मिट्टी की जांच करानी है तो कैसे होगी? ना वो तो नहीं किया। कराना चाहते हैं मिट्टी की जांच? हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, सवाल करना चाहते हैं? बिल्कुल। सवाल कीजिए। मिट्टी की जांच कराना चाहते हैं और ताकि इसमें किसान को हेल्प मिलती है, इससे खर्चे कम आते हैं, पैदावार ज़्यादा बढ़ेगी। देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि वो मिट्टी की जांच कराना चाहते हैं, किस प्रकार से और कहां पर करा सकते हैं, आइए हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। किसान भाई मिट्टी की जांच हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर भी करा सकते हैं और सरकारी विभाग में कराना चाहते हैं, उप निदेशक कार्यालय में सहायक निदेशक मृदा टेस्टिंग का ऑफिस है, उसके माध्यम से भी आप करा सकते हैं, और ये सुविधा बहुत ही सस्ते दर पर और उचित मूल्य पर उपलब्ध है, और इसको अवश्य करवाएं और इसका लाभ जरूर लें ताकि एक आप जो अधिक मात्रा में पोषक तत्व मृदा को दे रहे हैं उनको संतुलित मात्रा में दे सकें और मृदा का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने में ये लाभकारी होगा। देखिए हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि आप अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर मिट्टी की जाँच करा सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई आपने? हाँ मैंने जी मिट्टी की जांच कराई है। बताइए किस प्रकार से आपने मिट्टी की जांच कराई है? मिट्टी की जांच जो है मैंने अपने खेत के जो चार हिस्से किए और चारों कोनों से एक एक मतलब 6 इंच का गहरा गड्ढा खोद कर साइड से मिट्टी निकाल के और लगभग इसी प्रकार 5 और 20 सेंटर से खेत के लेके उसको इकट्ठा किया एक बाल्टी में और उसको इकट्ठा करने के बाद फिर उसके चार भाग किए, फिर इसी प्रकार उसको मिक्स चार भाग में एक भाग लिया,
फिर उसको उस एक भाग को मिक्स करके उसको चार भाग किए और ऐसे करते करते जब वो करीब 400 450 ग्राम मिट्टी रहेगी उसके बाद उसको कृषि विज्ञान केंद्र से मैंने उसको जांच कराई थी। देखिए हमारे किसान भाई ने मिट्टी की जांच करा के लाभ की प्राप्ति करी है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुए। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। अब हम बात कर रहे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? जी बताइए, किस तरीके से आप जैविक खेती करते हैं? श्रीमान, खेत को पहले पूर्णतः जैविक बनाने के लिए सबसे पहले हम उसमें कार्बनिक तत्वों की पूर्ति करते हैं, विशेषकर जो हमारे जैसे हमारा वर्मी कंपोस्ट है, हमारे जो मवेशी हैं, मवेशियों के जो मल से निर्मित हमारा कार्बनिक खाद है, हम उससे उसके मुख्य पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं और उसके बाद जिस फसल के अनुसार फिर हम चलाते हैं। हमने इसमें विशेषकर गौ माता आधारित जीवामृत, घनजीवामृत और उसी से निर्मित कीटनाशक नीमास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि का प्रयोग कर कर हम फसलों को ले रहे हैं। और कितने समय से कर रहे हैं आप ये? मुझे 2 वर्ष हो चुके हैं। वर्तमान में मैं MCS ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्म के नाम से कृषि कर रहा हूँ। आपको इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई कि जैविक खेती भी करनी चाहिए? जब मैं दिल्ली पढ़ता था तो मैं वहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी लोगों के अंदर जैविक खाद्य पदार्थों के प्रति रुझान है, लेकिन शुद्धता और प्रमाणिकता उनको नहीं मिल पा रही थी, तो डिमांड थी मार्केट में। तो उसी सब को देखते हुए साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल में आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी हैं जो जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला में कार्यरत हैं, उन्होंने हमें इसके प्रति प्रोत्साहित किया और हमें काफ़ी सहयोग भी दिया जिससे हम कीट नियंत्रण जैविक रूप से कर पा रहे हैं। कौन कौन सी फसल ले रहे हैं अभी आप? वर्तमान में गन्ना और धान है, साथ ही गेहूँ, सरसों और दलहन। इससे पहले जब आप खेती करते थे और अब आप जैविक खेती कर रहे हैं, आप बदलाव कितना महसूस कर रहे हैं? जहाँ तक प्रश्न हमारे खेतों की मिट्टी का है, मिट्टी में आमूलचूल परिवर्तन आया है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ गई है, मिट्टी के अंदर जो कठोरपन आ चुका था
हमारे जितने भी रासायनिक कृत्रिम रूप से बने हुए पदार्थ हैं, हमारे जितने भी उर्वरक हैं, उनके उपयोग से मिट्टी में कठोरपन आ गया था, वो समाप्त हो चुका है। और जीवामृत से मिट्टी में एक अजीब सुगंध बनी है जो बड़ी बेहद खुशबूदार है, और हमारे केंचुओं की संख्या असंख्य संख्याओं में बढ़ गई है, जिससे हमारे मृदे की उर्वरा क्षमता बढ़े है। मृदा जो ये है परंपरागत कृषि विकास योजना है, ये लाभकारी है? निसंदेह ये बहुत लाभकारी है। आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उन्होंने इस योजना से लाभ की प्राप्ति करी है, और उन्होंने कहा कि जैविक खेती में उनको एक बदलाव महसूस हुआ है। उन्होंने बताया कि जो मिट्टी उनकी कठोर हो गई थी, वो आज के समय में एक सॉफ्ट हो गई है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना की। आप जैविक खेती करते हैं? जी। किस प्रकार से करते हैं? जी, जैविक खेती हम जैविक उत्पादों से ही करते हैं, गौमूत्र आधारित, और गऊ के गोबर के द्वारा जीवामृत, ये मूत्र के द्वारा बनाकर घनजीवामृत के द्वारा, और जो अपना खाद तैयार होता है उसको, जो हमारा मवेशियों का खाद है उसे डीकम्पोस्ट से तैयार करके जितने भी उत्पाद तैयार होते हैं इसी तरह से करते हैं, या उसमें फिर हरी घास, ये आपका ढांचा, या लोबिया, मूंग, इस तरह की फसलों को जुताई करके ग्रीन मैन्योर के रूप में। तो आप कितने समय से कर रहे हैं? लगभग 2 साल से। और जब आप 2 साल से कर रहे हैं, उससे पहले कैसे करते थे? रासायनिक आधारित थे। तो आप रसायन से जैविक पर कैसे कन्वर्ट हुए? इसके कई कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि रसायनों की अधिकता के कारण एक सीमा बढ़ती जा रही थी लगातार खर्च की, उत्पादन उतना नहीं बढ़ रहा था। तो एक तो ये आया कि मन में कि भाई हमारा जो है लागत तो बढ़ रही है, उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा उतना। तो इसका एक, जैसे अभी जीरो बजट बोल दें, इसे जीरो बजट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ कम बजट की खेती अवश्य है, और इसमें एकदम भी उत्पादन हमें उतना नहीं मिलेगा जितना रसायन से मिल रहा है, लेकिन हाँ इतना अनुभव है कि वो जरूर मिलेगा, उतना जरूर हो जाएगा, लेकिन कुछ समय लगेगा। जैविक खेती के माध्यम से हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा, लेकिन उसके और आमदनी भी बढ़ेगी। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे अभी आपने बताया कि जैसे जैविक खेती से आपकी आमदनी बढ़ी है जी, तो उसको देखते हुए अगर हम बात करते हैं, तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2022 में किसानों की आय दुगनी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उसके बारे में हम उसकी तरफ अग्रसित होंगे जरूर, अगर हम उस तरफ बढ़ते हैं, बढ़ते धीरे धीरे, अभी क्योंकि मैं संपूर्ण खेती तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर इसी तरह से बढ़ते हैं तो हम आमदनी दुगनी होगी। आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अगर हम इसी तरीके से ही आगे भी अग्रसित होंगे तो 2022 तक आमदनी दुगनी होगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। आप जैविक खेती करते हैं? जी हाँ। बताइए किस प्रकार से करते हैं? जैविक खेती हम सबसे पहले तो अपने जैविक खेत के लिए हरी खाद का प्रयोग करते हैं, फिर अपने जो पशुओं का गोबर है उससे वर्मी कंपोस्ट बनाकर करते हैं। इसके साथ साथ वायु एजेंट हैं, जैसे हमारा जिंक है, जैसे हमारा पीएसबी है, एजेक्टोबैक्टर है, उनका सबका प्रयोग करते हैं, और उसके साथ साथ में जो हम ट्राइकोडर्मा और वेबेरियाना बेसियाना उसका प्रयोग करते हैं। जैविक खेती लाभकारी है? जैविक खेती लाभकारी है। किसान भाइयों को जुड़ना चाहिए? हाँ जी, उसमें सबसे बड़ी समस्या आ रही मार्केटिंग की, अगर जो मार्केटिंग मिल जाए तो जैविक खेती लाभकारी है। आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो जैविक खेती कर रहे हैं, पर उनको जो समस्या आ रही है वो आ रही है मार्केटिंग की। वो कह रहे हैं अगर मार्केटिंग उनको अच्छी मिल जाए तो जैविक खेती से वो लाभ की और भी ज़्यादा प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे बीच वैज्ञानिक मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर, किसान भाई का सवाल है कि मार्केटिंग में उनको जैविक खेती में समस्या आ रही है, तो किस तरीके से वो मार्केटिंग करें? जैविक खेती की मार्केटिंग अभी शुरुआत की अवस्था में है। सबसे बड़ी बात इसमें अभी है कि प्रमाणीकरण जो जैविक खेती का है वो अभी डेवलप का हो रहा है, और जब तक हम जैविक खेती के उत्पाद का प्रमाणीकरण नहीं करा पाएंगे तब तक हमको सामान्य उत्पाद से जैविक उत्पाद के पैसे में जो अंतर है वो सामान्य रूप से प्राप्त नहीं होगा। मेरी राय यह है कि शुरू के अवस्था में किसान भाई जो जैविक उत्पाद कर रहे हैं निश्चित रूप से लाभदायक है, तो उसको पहले अपने प्रयोग करें। कारण ये कि जैविक उत्पाद को प्रयोग करने से जो रासायनिक फर्टिलाइजर से जो हम सहयोग लेके करते हैं उससे ज़्यादा शुद्धता होती है और कम नुकसान होता है, पॉल्यूशन कम होगा, तो उसे अपने प्रयोग करें। और 3 साल के जैविक खेती के बाद हम प्रमाणीकरण की तरफ बढ़ेंगे, तो कुछ प्रमाणीकरण संस्थाएं हैं
जो हमको पोर्टल पे मिल जाएंगी या किसी विज्ञान केंद्रों से भी हमारे यहाँ से भी पता चल जाएगा, उनसे संपर्क करके उनके रूल्स को फॉलो करके जो उनके नियम हैं उनको पूरा करके हम अपना प्रमाणीकरण कर पंजीकरण करा सकते हैं। एक बार हमारा प्रमाणीकरण संस्था से पंजीकरण हो गया जैविक उत्पाद का, फिर हम अपने उत्पाद पे टैग कर सकते हैं कि हमारा उत्पाद जो है वो जैविक उत्पाद है। फिर उसका रेट आपको निश्चित रूप से अच्छी जगहों पे या अच्छे मार्केट में या माल में जहाँ अच्छे जगह मतलब जहाँ सर्टिफाइड है वहाँ पे निश्चित रूप से मिलता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने, कहा है कि 3 साल के बाद आपको जैविक का प्रमाणीकरण मिल जाएगा, उसके बाद आपको अच्छा दाम प्राप्त होगा। आज आपने जाना कि हमारे जो किसान भाई हैं जैविक खेती से और मृदा स्वास्थ्य कार्ड से किस तरीके से लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। आपका पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।